हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है प्रांजल आर्य और आप सभी देख रहे हैं क्रेजी फॉर टीवी। भाई जब से फैंस को पता चला है कि उनके फेवरेट स्टार कास्ट कोकिला बहन, गोपी बहू और अहम वापस आ रही हैं, तब से उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और अब तो शो की लॉन्च डेट और टाइम भी सामने आ चुका है। बस फिर क्या था, फैंस के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि शो कब आएगा कब आएगा। वैसे शो के लीड स्टार्स तो सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे कि जब तक कहानी में किसी विलन की धमाकेदार एंट्री होती नहीं है तो मजा कहां आता है। तो आपको बता दें कि हीरो हीरोइन के नाम के साथ साथ अब विलन के नाम का भी खुलासा हो चुका है। जी हाँ, एक्टर हार्दिक संगानी जो कि थपकी प्यार की में आप सभी को नजर आए थे, वो अब जल्द ही प्रीक्वल तेरा मेरा साथ रहे की स्टार कास्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि वो शो में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। वैसे हार्दिक के किरदार पर कुछ ज्यादा अपडेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ एक क्लू जरूर मिल चुका है। वो क्लू काफी ज्यादा सॉलिड है। दरअसल कहा ये जा रहा है कि हार्दिक अब इन तीनों की जिंदगी में आग लगाने का काम करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि शो में सिर्फ हार्दिक संगानी की ही एंट्री नहीं होगी, बल्कि एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है, जो कि है कैलाश तोपनानी, जिन्हें शो के लिए कास्ट कर लिया गया है। कैलाश तोपनानी को आपने हीरो गायब मोड ऑन में भी देखा होगा। इस बार भी कैलाश का किरदार काफी ज्यादा दमदार, काफी ज्यादा सॉलिड आप सभी को देखने को मिलने वाला है। प्रीक्वल तेरा मेरा साथ रही में कैलाश चंगेश का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि ये दोनों ही एंट्रीज यानी कि हार्दिक संगानी की और कैलाश तोपनानी की नेगेटिव किरदार में होने वाली है। कैलाश के रोल पर यानी कि चंगेश पर एक नजर डाले तो ये आपको मेन विलन के रोल में बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये विलन के चेले का रोल अदा करेंगे यानी कि खलनायक के राइट हैंड का। और खबरों की मानी जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स ने सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। शो की स्टार कास्ट भी फाइनल हो चुकी है, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। शो की शूटिंग कब शुरू होगी कब नहीं, फिलहाल इस पर पूरी तरीके से तो कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हाँ ऐसी उम्मीद की जा रही है और कहा भी जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक प्रीक्वल तेरा मेरा साथ रहे का काम फुल स्विंग शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में ये भी उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी को प्रोमो भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि शो की पूरी स्टार कास्ट को रिबिल्ड कर दिया जाएगा। वैसे माना तो ये भी जा रहा है कि ये जो शो है वो साथ निभाना साथिया से बिल्कुल अलग होगा। अब सच में शो की कहानी साथ निभाना साथिया से मिलती जुलती होगी या फिर एक नई होगी, ये तो जब शो आएगा भाई तब ही पता चलेगा। लेकिन जब मेकर्स ने तीन पुराने किरदारों की वापसी करवा दी है तो ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है भैया कि क्या होगा। क्या सच में जो मेकर्स हैं वो कोई और भी पुराने किरदार को इस शो में लेकर आने की प्लानिंग कर रहे हैं? वेल, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेकर्स को किन पुराने किरदारों को इस शो में वापस लेकर आना चाहिए।